महेश्वर तहसील के ग्राम भुदरी में मुख्य यजमान जमनालाल जायसवाल के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। शिव महापुराण के प्रथम दिन नगर के मुख्य मार्ग पर गंगा पूजन सहित कलश यात्रा निकाली गई। मनुष्य को सांसारिक जीवन के साथ साथ भव को सुधारने का एकमात्र द्वार भोले के सतमार्ग को अपनाना है। कथा के तीसरे दिन भगवान शिव की आकर्षक बारात के साथ शिव पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ग्राम भुदरी में शिवपुराण कथा चल रही है, उसके संबंध में गुरु महाराज से हम बात करेंगे और क्या क्या कथा में सुना है। ये हमारे जायसवाल परिवार के ज्यादा सदस्य हैं। जमनालाल जी ये मुख्य यजमान है इस कथा के और इन्हीं के एक संकल्प से तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, इनके एक संकल्प था कि मैं शिवपुराण अपने गाँव में कराऊँ। शिवरात्रि के महापर्व पर शिवरात्रि के उत्सव के अंतर्गत दिनांक 23 से लेकर के 1 तक ये शिव महापुराण की कथा यहाँ पर हो रही है। आज ये शिवपुराण कथा में आज क्या बताया? आज मुख्य रूप से शिव विवाह का प्रसंग रहा। प्रातःकाल की जो कथा प्रारंभ हुई इसमें गंगा जमुना और सरस्वती के तट पर जो वेदव्यास जी के शिष्य सुखजी महाराज हैं वो शौनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत समस्त ज्ञान जो शिव जी को प्राप्त करने का है वो समस्त बातें उसमें जो लिखी हुई हैं वो आज हमने समझाई। जैसे पार्थिव पूजन है, रुद्राक्ष का महत्व है, भगवान भस्म धारण क्यों करते हैं, फिर किन लिंगों की पूजा करना चाहिए, भगवान शिव के प्रसाद का क्या महत्व है, ये सारी बातें आज हुई। और फिर भगवान का सृष्टि क्रम रुद्र संहिता में, और फिर भगवान का सती से विवाह, सती का देह त्याग, फिर भगवान भगवती सती का पार्वती के रूप में आना और पार्वती जी से भगवान का फिर विवाह आज संपन्न हुआ है। और अभी हम देखते जा रहे हैं कि भक्ति के दौर में पुराने जमाने से काफ़ी कमी होती जा रही है भक्ति में, तो इससे इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से आप भक्त भक्त हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्ति की कमी नहीं आ रही है, भक्ति को हम देख रहे हैं कि नित नए दिनों में धार्मिक आयोजन बढ़ते ही जा रहे हैं। पुराने पुराने वर्ष अनुसार जो देखे जाए तो पुराने लोग तो भक्ति में थे, उनके माध्यम से अगर देखे जाए तो भक्ति में और भी कमी होती जा रही है, इसका क्या कारण है? पुराने लोग, एक उसमें बात ये भी है कि भक्ति पुराने लोग भी करते थे, भक्ति आज भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का एक स्वरूप थोड़ा सा बदला है क्योंकि आज जो माध्यम जो विज्ञान के माध्यम से जो सब चीज़ें हुई है, आज मोबाइल के माध्यम से प्रचार हो रहा है, लोग मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कथाएं सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, टीवी के माध्यम से भी कथाएं सुन रहे हैं। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यंत्रों के माध्यम से आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी परंपरा हमारी है कि आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करना है, मंदिर में जाना है, ऑनलाइन भगवान के दर्शन होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जाने का जो महत्व है और मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करने का या पूजा करने का जो महत्व है उसका अपना एक अलग ही महत्व है जो पुराने लोग करते थे वो अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।